डिजिटल एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और टीका लगवाते रहे होंगे। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज़ लगवा लें और मास्क पहनना ना भूलें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग कवर करेंगे सेल के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, और सेल की थोड़ी सी हिस्ट्री हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? कोई भी चीज़ की जैसे नींव रखी जाती है तो उसके लिए हम लोग को सबसे बेसिक एक स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। जैसे कि घर बनाते हैं तो पहले नींव तैयार करते हैं। नींव तैयार करने में हम लोग एक ब्रिक रखते हैं, तो ये उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बॉडी के बारे में, बायोलॉजी पढ़ना है, तो उसमें हम लोग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग उसमें सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल की कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई? एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। ये साइंटिस्ट थे एक, तो पहले जमाने में जब बॉटल्स जो थी वो क्लोज करी जाती थी तो कैप्स नहीं थे, तो कोर्क आती थी। कोर्क हम लोग को मिलती है बार्क से, बार्क ऑफ ट्री, और ये होती है डेड, ये डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स की होती है। तो इन्होंने क्या किया, इस बार्क की एक पतली सी स्लाइस ली, पतला सा इन्होंने एक स्लाइस लिया और इसको मैग्नीफाइंग ग्लास में, अच्छे पावर वाले मैग्नीफाइंग ग्लास में इन्होंने देखा। तो क्या देखते हैं कि इसमें इस तरीके से कंपार्टमेंट बने हुए हैं। तो इन्होंने उस कंपार्टमेंट को बोला कि ये सेल, उसके बाद आए एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने थोड़े अच्छे माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, डबल लेंस माइक्रोस्कोप इन्होंने देखा और इसमें इन्होंने देखा कि सेल्स में न्यूक्लियस है। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने देखा कि सेल्स में छोटे छोटे डॉट्स हैं, जो कि इसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का, उसके बाद इन्होंने उसकी हिस्ट्री, इसके बाद की हिस्ट्री क्या है? और साइंटिस्ट आए, इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि ये जो सेल है इसकी कुछ कवरिंग है, किसी चीज से घिरा हुआ है, तो इसको उन्होंने डिस्कवर किया। इसका नाम दिया उन्होंने मेम्ब्रेन, नॉर्मल मेम्ब्रेन। एक अब ये जहाँ तक की हिस्ट्री बहुत है यहाँ तक की, उसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं सेल की थ्योरीज। सेल थ्योरीज क्या होती हैं? साइंटिस्ट आए, बहुत सारी थ्योरीज उन्होंने, बहुत सारे ऑर्गेनल्स डिस्कवर किए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की, तो उनको एक बेसिक 3-4 पॉइंट्स की थ्योरी मिली कि क्या चीज़ होते हैं सेल आखिर में। तो सेल जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल फॉर्म करते हैं, प्री एग्जिस्टिंग से न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, और
ये आइडेंटिकल होते हैं एक तरीके के, मतलब कोई पहला सेल है उसमें ये ऐसी स्ट्रक्चर है, तो जो नया सेल आएगा उसका भी सेम स्ट्रक्चर होगा। दूसरा पॉइंट जो हुआ, सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट का मतलब जो सेल्स है वो फंक्शन करता है। किस तरीके का फंक्शन, क्या करता है वो भी बताएंगे। सेल जो है वो फंक्शन करता है। उसके बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि सेल होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ सिंगल सेल हो, एक सेल के बराबर, और मल्टी सेलुलर होते हैं जो मोर देन वन सेल होते हैं। मोर देन वन सेल को मल्टी सेलुलर कहते हैं और यूनिसेलुलर को कहते हैं कि जिसमें सिंगल सेल होता है उसमें, उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। कोई दिक्कत किसी भी चीज़ में अभी तक? चलिए बढ़िया। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि सेल प्रॉपरली फंक्शन कैसे करते हैं, सेल क्या फंक्शन करते हैं। रेस्पिरेशन जानते हैं क्या होता है? कोई बता सकता है रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन हम बताते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है कि हम लोग ने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली और वो ऑक्सीजन सेल्स के पास गई। सेल्स इस ऑक्सीजन से फंक्शन करते हैं और इस फंक्शन के थ्रू हम लोग को मिलती है एनर्जी। इससे हम लोग को मिलती है एनर्जी, मतलब सेल्स जो है वो एक मेन हम लोग के हॉटस्पॉट है एनर्जी का। अगर हम लोग के पास सेल्स नहीं होंगे तो हम लोग के पास एनर्जी भी नहीं होगी। अच्छा, सेल्स में काम कैसे होता है, किस तरीके से काम करते हैं सेल्स? सेल्स जो है उनमें ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग एक पूरा एक बॉडी है हमारी, हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, सर का काम अलग है, सबके अलग अलग फंक्शन है। इसी तरीके से सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। हर सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन होता है, वो भी अलग अलग। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनका फंक्शन अलग अलग होता है। अब सेल जो है वो डिवाइडेड है एनिमल सेल में, दो तरीके के होते हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल, दो तरीके के सेल्स हैं। अब हम लोग पहले सेल्स की बात करेंगे, पहले सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे। पहला सेल ऑर्गेनेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला सेल ऑर्गेनेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? हमने एक सेल का डायग्राम बनाया, ये एक सेल का डायग्राम, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। मान लीजिए न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट, क्लास्ट है, वैक्यूल है, और एंडोप्लाज्मिक की रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे। ये एक तरीके का हम लोग ने सेल। अब सेल की जो ये आपको लाइन दिख रही है, लाइन, इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन
सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आउटर कवरिंग होती है एक तरीके से सेल की, जस्ट आउटसाइड ये होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे डिटेल में हम लोग, ये फ्लूइड होता है एक तरीके का। ये जो लाइन गई है इसको बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का हम लोग को लोकेशन पता चल गई, लाइनिंग ऑफ सेल, यह लोकेशन पूछी जाती है एग्जाम्स में। एग्जाम्स में पूछी जाती है कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन कहाँ, तो कहाँ है लाइनिंग ऑफ सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि वो क्या फंक्शन करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन है। वो एक सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन है, मतलब क्या हुआ? सेलेक्टिवली का मतलब होता है कुछ सिलेक्टेड चीज, सारी चीज नहीं, सारी चीज नहीं, कुछ पर्टिकुलर चीज। परमीएबल का मतलब होता है अलाउंस, कि वो किसको किसको अलाउ करे, मतलब कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही वो अलाउ करे। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं रेस्पिरेशन, मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन हम लोग के सेल को, हमारे सेल को जाता है ऑक्सीजन। वो सेल को कैसे जाता है, सेल कैसे उसको अपने अंदर लेता है, वो यहीं से लेता है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि सेलेक्टिवली चीज़ों को, जो हमारे सेल की जिसको ज़रूरत है उसको सिर्फ जाने देता है। जैसे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ ही चीज़ें होती हैं जिस जो सेल अपने अंदर अलाउ करता है आने के लिए, ठीक। तो ये सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमीएबल मतलब कुछ ही चीज़ों को अंदर जाता है। उसके बाद जैसे ऑक्सीजन अंदर गया तो वो ऑक्सीजन अब यहाँ सिंथेसाइज होगा, उसके बाद हम लोग को एनर्जी मिलेगी, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि ये डिफ्यूजन पे बेस्ड है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन पता है किसी को? हम बताएंगे क्या होता है डिफ्यूजन, मतलब क्या होता है डिफ्यूजन। एक तरीके का मूवमेंट है, किसका मूवमेंट है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और वो किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स हो सकते हैं, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, मतलब कोई भी पार्टिकल है वो एक जगह ज़्यादा मात्रा में है, हायर कंसेंट्रेशन में है, तो वो उस जगह से उस लोअर, वहाँ से वो लोअर कंसेंट्रेशन में पहुँच जाए। इसका एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि आप अपने रूम के कोने में हल्का सा डिओड्रेंट स्प्रे करिए तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में आ जाती है। वो एक जरा सा हमने वहाँ कोने में स्प्रे किया तो वहाँ हायर कंसेंट्रेशन हो गया, और वहाँ से दो मिनट में पूरा रूम महक गया, वहाँ से वो पूरे कमरे में लोअर कंसेंट्रेशन था, तो वो वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं डिओड्रेंट के वो पूरे हमारे रूम में फैल गए। तो इस पे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस बेस पे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क करता है डिफ्यूजन। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब मान लीजिए हमारे सेल ने खूब सारी अंदर CO2 बनाई, खूब सारी CO2 अंदर प्रोड्यूस करी, और जो ऑक्सीजन है वो बाहर खूब सारी है,
और ऑक्सीजन की जरूरत है इस टाइम में सेल को, और CO2 को बाहर निकालना है, तो यहाँ डिफ्यूजन काम आएगा हमारा। ये हायर कंसेंट्रेशन पे था तो ये बाहर निकल जाएगा लोअर कंसेंट्रेशन पे, CO2 जैसे ही बाहर गया, यहाँ ऑक्सीजन हायर कंसेंट्रेशन पे था ये चला जाएगा इधर। इसी तरीके से हमारा रेस्पिरेशन चलता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी बेस पे चलती है, जहां ज्यादा कंसेंट्रेशन होता है उस गैस का, वो वहां से लोअर कंसेंट्रेशन पे चली जाती है, फिर वहां यूज होके फिर बाहर निकल जाती है डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक, इसमें इस चीज में किसी को डाउट? अब डिफ्यूजन का एक और कैटेगरी है, डिफ्यूजन की ही एक और कैटेगरी है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस सुना है पहले? डिफ्यूजन को गैसेस भी फॉलो करती हैं और वाटर भी फॉलो करता है। ऑस्मोसिस को जनरली जनरली वाटर फॉलो करता है। ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस जान लेते हैं। It is the movement of particles or solute from the ऑस्मोसिस क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसेंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसेंट्रेशन। मतलब इसका एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए एक बीकर लिया हम लोगों ने, उसमें एक सेल रख दिया, उस सेल में हम लोगों ने खूब सारा पानी डाल दिया। ठीक, अब सेल में तो पानी है नहीं, ठीक, अब क्या होगा, ये जो पानी है, बाहर का पानी है, ये चला जाएगा अंदर सेल, जहां हायर वाटर कंसेंट्रेशन थी ये, ठीक, और सेल में वाटर कंसेंट्रेशन नहीं है, तो ये जो वाटर है हायर कंसेंट्रेशन पे, ये चला जाएगा जहां वाटर लोअर कंसेंट्रेशन पे। इस चीज को ऑस्मोसिस बोलते हैं। It is the movement of particles from the region of higher water concentration to lower water concentration. जहाँ higher water concentration है, मतलब कि इसको हम लोग dilute भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग concentrate भी बोल सकते हैं। Dilute का मतलब जिस किसी भी चीज में हम लोग पानी ज्यादा मिलाते हैं उसको हम लोग dilute बोलते हैं। तो कोई भी चीज जिसमें पानी ज्यादा है उसके particles चले जाएंगे जहाँ पानी कम है। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, इसमें हम लोग देखें तो यहाँ क्या होगा, ये पानी सेल के अंदर गया, ठीक,
अब जब सेल के अंदर गया तो सेल का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा बड़ा होगा, तो सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। और ये हम हाँ ये होता है अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आर सेम। ये होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक। ये सेल है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, इसके अक्रॉस हो रहा है, इसी के थ्रू जा रहा है, इसी के थ्रू बाहर आ रहा है, ठीक। और इस तरीके के हम लोग सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब जहां वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वाटर कंसेंट्रेशन जहां ज्यादा उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। किसी को कोई दिक्कत? अब मान लीजिए हमने एक बीकर में हॉट सेल रखा और उसके बाहर हम लोग ने उसी उसी सेल के अंदर जितना वाटर कंसंट्रेशन था उसी के बराबर का यहाँ भी हम लोग ने वाटर कंसंट्रेशन रख दिया, मतलब सेल के अंदर का जितना फ्लूइड था उसी के बराबर हम लोग ने यहाँ बाहर पानी रख दिया, ठीक। तो अब सेल ना तो श्रिंक होगा ना ही स्वेल होगा, ठीक। पानी अंदर भी नहीं जाएगा और वहां से पानी बाहर भी नहीं आएगा, क्योंकि बाहर और अंदर जो वाटर के लेवल है वो सेम है, ठीक। इस तरीके के सॉल्यूशंस को बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इन तरीके के सॉल्यूशंस को बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हम लोग ने क्या किया, फिर एक सेल लिया, एक सेल को हम लोग ने कम वाटर कंसंट्रेशन पे रखा, मतलब इस सेल के अंदर जितना फ्लूइड है उससे कम हम लोग ने उसके बाहर वाटर कंसंट्रेशन रखा। अब क्या होगा, पहले हम लोग ने देखा था जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था उसमें हाई बाहर ज्यादा था पानी तो बाहर से अंदर चला गया था। इसमें क्या होगा, ये जो अंदर ज्यादा पानी है एक तरीके से फ्लूइड ज्यादा है और बाहर कम है, तो ये बाहर से अंदर से सॉरी बाहर चला जाएगा, ठीक। इस सेल का जो फ्लूइड है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा कोई भी चीज इसके, तो ये सेल जो हो जाएगा वो श्रिंक कर जाएगा, सूख जाएगा, ठीक। वो अपना जो उसका वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, उसका साइज भी छोटा हो जाए। ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत? इन सॉल्यूशंस को बोलते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये कहां कहां यूज होता है, रूट्स में, प्लांट रूट्स में ऑस्मोसिस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। प्लांट रूट से ही जो सॉइल से ही वाटर अब्सॉर्ब करता है और रूट्स के थ्रू प्लांट को पहुंचाता है, ठीक। हमारे लंग्स में, हमारे लंग्स में डिफ्यूजन का बहुत बड़ा रोल रहता है, गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो हमारे लंग से ही होता है। हम लोग जब CO2 इनहेल करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, जो हमारे बॉडी की CO2 है वो लंग्स में चेंज हो जाती है, ठीक। तो ये इनके इसके जनरल यूजेस हैं। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूक्लियस। थैंक यू।